फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूँ आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डेफिनेशन चैप्टर के पार्ट 5 डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, फिफ्थ था। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक पार्ट फर्स्ट में कुछ मिस्टेक हुई है। मैं आपको स्ट्रेट लाइन समझा रहा था और अब मैंने उसमें डिमिनिशिंग के अकॉर्डिंग आपको डेप्थ समझा दिया, तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन में, वो डिस्कस करेंगे डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 6 है डेप्रिसिएशन का। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, समझ नहीं आएगा, तो प्लीज आप पहले आप पीछे के पार्ट देखिए, उसके बाद ये वाला पार्ट देखिए, तब आपको ये सेक्शन समझ आएगा। तो मैं आपको समझाने जा रहा हूं आज डिस्पोजल अकाउंट। देखिए, डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है, एक सिंपल सी बात है, अगर कोई भी मशीनरी क्या हो रही है, सेल हो रही है, ठीक है, तो हम बेसिकली उसे सिंपल वर्ड में कह सकते हैं डिस्पोज होना। ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें बनाना पड़ेगा एक मशीनरी अकाउंट, ठीक है, दूसरा एक बनाना पड़ेगा हमें उसमें प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, और एक अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें इसमें डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, अब होता क्या है, जब ये और ये तीनों अकाउंट बनाने पड़ते हैं, तो ध्यान रखना अब तक जो हमने मशीनरी की सेल करी थी वो करी थी मशीनरी अकाउंट के अंदर, बट जब डिस्पोजल अकाउंट आ जाता है तो वहां पर मशीनरी की सेल नहीं होती है, मशीनरी की सेल यहां पर होगी बजाय मशीनरी के। ठीक है, तो होगा क्या, आपके पास एक मशीनरी अकाउंट होगा, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा कौन सा अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट, और ये हमारा कौन सा है, प्रोविजन अकाउंट। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल क्लियर रखना है, यहां से कुछ नहीं करना है, यहां पर कुछ नहीं करना, जो मशीनरी की सेल होगी वो होगी डिस्पोजल अकाउंट में। तो आपको एक रब करके डिस्पोजल अकाउंट का फॉर्म बताता हूं। देखिए, डिस्पोजल अकाउंट कुछ ऐसे बनेगा आपका, आपकी डेट हो गई इसमें, पर्टिकुलर हो गया, और डेट अगेन पर्टिकुलर, यहां पे मैं लिख लेता हूं डिस्पोजल अकाउंट। तो समझिएगा कि जब भी कोई मशीनरी सोल्ड होगी तो ध्यान रखना कुछ नहीं करना, यहां पर आप मान लेते हैं हमारी मशीनरी जो सोल्ड हो रही है वो 4 लाख वाली हो रही है। ठीक है, अभी मैं डेट का यहां पर एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, अभी इसको मैं आप बाद में समझाऊंगा। तो जो भी मशीनरी सोल्ड हो रही है उसको आप क्या लिख देंगे, बाय डिस्पोजल लिख देंगे, बस ओनली, कितना, बाय डिस्पोजल, और मशीनरी की वैल्यू लिख दीजिए 4 लाख, ये कहां चली गई, डिस्पोजल में, तो इसको ट्रांसफर कर देंगे डेबिट साइड पे डिस्पोजल अकाउंट के, ये होगी क्रेडिट साइड, और ये कहां से आई है, मशीनरी अकाउंट से आई है, तो यहां पे लिख देंगे टू मशीन अकाउंट, कितने की आई है, 4 लाख की आई है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये पता होगा कि मशीनरी कितने की सेल हो रही है, तो आप जितने की सेल हो रही है उसे बाय बैंक करके लिख देंगे यहां पर। ठीक है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 3 लाख की हो रही है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको इससे पिछले पार्ट में बताया कि जब भी कोई मशीनरी सोल्ड होती है तो उस पर आज तक जितना भी डेप लगा है उसे क्या करेंगे, हम प्रोविजन के डेबिट साइड से ट्रांसफर कर देते थे मशीनरी में, लेकिन अब क्योंकि डिस्पोजल बन रहा है तो मुझे मशीनरी में ना ट्रांसफर करेंगे, कहां ट्रांसफर करेंगे, डिस्पोजल में। दोबारा बता दूं क्या है, जो मशीनरी सोल्ड हो रही है उसका आज तक का जितना भी डेप था वो टू डिस्पोजल करके हम कहां भेज देंगे, प्रोविजन से डिस्पोजल अकाउंट में, तो ये इधर चला जाएगा और ये आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। ठीक है, मान लेते हैं ये कितना आया आपका, 60,000। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, एक चीज यहां से ट्रांसफर हो गई, एक चीज यहां से ट्रांसफर हो गई, ये हमें क्वेश्चन से मिल ही जाएगा। अगर मैं इन शॉर्ट कहूं कि डिस्पोजल अकाउंट बनाने का मोटिव क्या होता है, तो डिस्पोजल अकाउंट बनाने का मोटिव ये होता है कि हमें यह पता पड़ जाए कि मशीनरी को सेल करने पर हमें फायदा हुआ है या घाटा हुआ है। तो अब देखिए, बेसिकली अगर आप टोटल करें, अगर ये साइड ज्यादा आ रही है तो कमी इधर निकलेगी, और अगर कमी क्रेडिट साइड निकलती है तो उसे बोलेंगे लॉस, जिसे लिखेंगे बाय पीएनएल के नाम से, और अगर कमी इस तरफ आ रही है, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड कमी निकल रही है, तो निकलेगा प्रॉफिट। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन 4 लाख यहाँ पे और यहाँ पे 3,60,000, तो ये वाली साइड ज्यादा है, ये हो गया हमारा 4 लाख, एंड दिस इज ऑल्सो 4 लाख, 4 लाख में से हमने 3,60,000 घटाए तो आ गया हमारा बाय पीएनएल, ब्रैकेट में हम लिख देंगे इसको क्या, लॉस कितने का रहा है, 40,000 का, और अगर यही साइड इधर कमी आ रही है तो क्या निकलेगा हमारा वहां पर,
क्या कहते हैं यहाँ पर एक प्रॉफिट निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स वैसे यहाँ पर स्पेस मेरे पास कम है बोर्ड पे ये तीनों अकाउंट एक साथ बताने के लिए, तो इसी का मैं एक एग्जांपल आपको कॉपी पे समझाता हूँ। तो चलिए चलते हैं कॉपी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम कॉपी पे आ चुके हैं, तो मैं आपको अब यहाँ पे समझाता हूँ कि प्रोविजन और डिस्पोजल और मशीन अकाउंट कैसे बनेगा। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर ले लेते हैं हम कि एक M1 है वो खरीदी हमने 1 जैन को 2012 को, जिसकी कॉस्ट हम ले लेते हैं 1 लाख रुपीस। चलिए M2 ले लेते हैं जिसको हमने खरीदा है 1 अक्टूबर 2012 में ही, जिसकी मैं कॉस्ट ले ले रहा हूँ 4 लाख, ठीक है। M3 ले लेते हैं यहाँ पर 1 जुलाई को 2013 में, जिसकी कॉस्ट ले लेते हैं हम 6 लाख रुपीस, ठीक है। हमने यहाँ पर तीन मशीन ले ली है जिसको डिफरेंट डिफरेंट डेट पे क्या करा है, खरीदा है। अब क्या करेंगे, मान लेते हैं क्वेश्चन में जो डैप लग रहा है, डैप लग रहा है एट द रेट 10% पर एनम बाय SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या लग रहा है, डैप लग रहा है। और सोल्ड करते हैं सोल्ड M1 ऑन 1 जैन ये जुलाई कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, 1 जुलाई 2014 को कितने में करते हैं, 4 रुपीज़, 1 लाख की थी ना उसको, चलो 50,000 में सोल्ड करते हैं, या एक काम करते हैं और कम कर लीजिए इस बार 30,000 रुपये में, ठीक है। यहाँ ही लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ताकि स्पेस मिल जाए वहाँ लिखने के लिए, 30,000 रुपये में। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है और बोलना है प्रिपेयर प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। अगर इतना बोलेगा तो सारा काम किस में हो जाता है, मशीन अकाउंट में, लेकिन बोल रहा है प्रिपेयर मशीनरी, फिर बोल रहा है प्रोविज़न अकाउंट। तो प्रोविज़न फॉर डैप बोल दिया, इसका मतलब अब डैप अलग लगेगा। और लास्ट में एक और बोल दिया डिस्पोजल अकाउंट, तो अब तो सेल जितनी भी होनी है वो कहाँ होनी है, डिस्पोजल में होनी है। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम समझेंगे इसका मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, ये हम डेट ले लेते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर ये अमाउंट ले लेते हैं, फिर डेट ऑफ फिर अमाउंट। चलिए ये डेबिट साइड आपकी हुई, ये हो गई क्रेडिट साइड, और ये फिलअप कर लीजिएगा आप, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। एग्ज़ाम में आपको पूरा लिखना है, मेरी तरह शॉर्टकट नहीं लेना है, क्योंकि मुझे आपको बस समझाना है, कोई एग्ज़ाम देने नहीं जाना है, बट आप पूरा लिखेंगे, ओके। तो अब मैं आपसे बात करूँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूँ, तो पहली मशीन ही खरीदी है 2012 में, और हम अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कैलेंडर बेसिस पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 2012 फर्स्ट जैन, खरीदने के लिए क्या लिखते हैं हमेशा पता है, टू बैंक अकाउंट, और क्योंकि पहली मशीन है फर्स्ट लिख लीजिए, कितने की है 1 लाख रुपीज़ की, शायद हमने यहाँ पे 10 ज़्यादा कर लिया है, चलिए 1 लाख रुपीज़ की, ठीक है। आप उसी देखिए 2012 में एक और मशीन ही खरीदी है अक्टूबर में 2012, तो 1 अक्टूबर में एक और कर लेते हैं टू बैंक अकाउंट सेकंड, ठीक है, बैंक अकाउंट सेकंड कितने की है, वो है आपकी 4 लाख की, तो इसको 4 लाख लिख लेते हैं। चलिए अब तो 2012 का कंप्लीट हुआ, तो हम 2012 को क्लोज करेंगे, ठीक है, 2012 का टोटल आ रहा है आपका 5 लाख, चलिए 5 लाख लिख लिया, यहाँ भी कितना आ गया 5 लाख, कोई मशीन सोल्ड नहीं हुई है। और 2012 की क्लोजिंग डेट को 31 दिसंबर को, डैप नहीं लगेगा क्योंकि डैप कहाँ लगेगा, प्रोविजन फॉर डैप में अकाउंट में, बाय बैलेंस कैरिड डाउन मींस CD, जो कि आ गया 5 लाख, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 2013 की तरफ, 2013 की 1 जैन को हम क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे, कितना हो गया आपका ये 5 लाख रुपीज़, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, सिंपल है। अब इस साल 2013 में 1 जुलाई को एक और मशीन ही खरीदी है, तो चलिए 1 जुलाई में खरीद लेते हैं टू बैंक अकाउंट सेकंड की नहीं है थर्ड है, कितने की है 6 लाख रुपीज़ की, चलिए 6 लाख में खरीद लेते हैं। अब 5 और 6 आपका हो गया टोटल ये 11 लाख,
तो सीडी निकाल लेते हैं, 11 लाख सीडी निकलेगा 2013 की 31 दिसंबर को बाय बैलेंस सीडी। तो ये बचा 11 लाख, ठीक है। अब 2014 में आते हैं, तो 2014 की 1 जैन को हम क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे, टू बैलेंस बीडी। आप देखिए सीडी आया है 11 लाख, तो बीडी कितना आ जाएगा यहाँ पर 11 लाख। चलिए ये भी लिख लेते हैं। अब 11 लाख लिखने के बाद आपको पता है कि 1 जुलाई को मशीनरी सोल्ड हुई है, तो यहाँ पर हम 2014 की 1 जुलाई को सोल्ड कर रहे हैं। तो जैसा मैंने पीछे बताया था कि अगर सोल्ड करेंगे तो जो मशीनरी सोल्ड हुई है, कौन सी वाली, 1 लाख वाली सोल्ड हुई है, इसको कहाँ भेज देंगे हम, हाँ हम इसे भेज देंगे डिस्पोजल अकाउंट में, ठीक है। तो कौन सी वाली, 1 लाख वाली हमने मशीनरी को कहाँ भेज दिया है, डिस्पोजल में, दैट्स इट। और बाद बाकी मशीनरी का 31 दिसंबर को क्या निकाल देंगे हम, बाय बैलेंस सीडी। तो इसको टोटल करते हैं 11 लाख, यहाँ पे आ गया 11 लाख। कुछ नया नहीं करना, पहले हम सोल्ड यहाँ पे करते थे इस सेक्शन में, लेकिन अब सोल्ड होगा डिस्पोजल में, तो कुछ अब नहीं करना चेंजेस। बाय बैलेंस सीडी ये बच गया 10 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एक ये वाली मशीनरी और एक ये वाली मशीनरी रनिंग में है, और उसके बाद जो एक मशीनरी थी वो क्या हो गई है, हमारी सोल्ड हो गई है। तो फाइनली 2015 लिख के इसका बीडी करके जब हम छोड़ देंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और ये सीडी आया 10 लाख, तो बीडी भी कितना हो गया 10 लाख, दैट्स इट। ये हो गया हमारा कंप्लीट मशीनरी अकाउंट। अब जो हम करेंगे इसका, वो करेंगे इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो उसको मैं नेक्स्ट पेज बताता हूँ। ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ से ये चीज़ मिल चुकी है, यहाँ से मशीनरी ट्रांसफ़र हो चुकी है, कहाँ पर, डिस्पोजल में। तो हम प्रोविज़न वाला अकाउंट बनाते हैं, कोशिश करूँगा डिस्पोजल आपको इस एरिए में समझाने की, अगर हो गया नहीं तो दूसरे पेज पर समझा दूँगा। तो चलिए समझते हैं। अब क्या होता है, हमें बनाना है प्रोविज़न अकाउंट, तो इधर पर हम डिस्पोजल कर लेंगे, इधर प्रोविज़न कर लेते हैं। चलिए प्रोविज़न का फॉर्मेट बनाते हैं, डेट का कॉलम बन गया, ठीक है, ये अमाउंट हो गया, फिर डेट का कॉलम बना लेते हैं, और ये अमाउंट हो गया। यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोविज़न फॉर डेप, पूरा लिखेंगे आप, ठीक है, क्रेडिट, और ये नाम डाल लीजिएगा डी पी ए डेट पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए तो आपको पता है स्टार्टिंग यहाँ से होनी है, तो 2012 हमने जो मशीनरी खरीदी थी वो जनवरी में ही खरीदी, तो उसका डेप लगेगा 31 दिसंबर को पूरे साल का डेप, जो कि 10% है। तो बाय बैलेंस, सॉरी बाय डेप अकाउंट, और 1 लाख का हो गया 10,000, ठीक है। शायद एक और मशीनरी थी तो ऐसे दिखा देंगे, और बाय डेप दोबारा दिखा दीजिए, या M1 M2 करके भी दिखा दीजिए चलेगा। यहाँ लिख दीजिए सेकेंड, यहाँ लिख दीजिए फर्स्ट। जो दूसरी मशीनरी थी, अगर आप पीछे रिवाइंड करके देखें, तो वो मशीनरी हमने खरीदी थी शायद 1 अक्टूबर को, और वो थी 4 लाख की। तो 4 लाख का 10% आपको पता होता है 40,000, 40,000 है वो है 12 महीने का, 40,000 कितने का है 12 महीने का, हमें चाहिए कितने का 6 महीने का। तो 6 महीने का हो गया हमारा कितने का 20,000, और 3 महीने का हो गया 10,000। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 10,000, दोनों के डेप सेम आ गए हैं फाइनली। चलिए ये हो गया आपका 20,000, ठीक है, यहाँ भी हम डेट टोटल कर लेते हैं, ये हो गया 20,000, क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। तो 2012 की क्लोजिंग डेट को, क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर, टू बैलेंस क्या निकालेंगे, सीडी निकालेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सीडी आ जाएगा 20,000, ठीक है। आप उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 2013 में आते हैं, तो 2013 की इसको हम क्या करेंगे, पीडी करेंगे, तो 1 जन डालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये कितना हो गया 20,000। अगर आपको पता हो तो 2013 में हम डेप लगेंगे 31 दिसंबर को, तो हमें डेट डाल लेता हूँ 31 दिसंबर बाय डेप, और आपको पता हो तो हमारे पास M1 पे डेप लगेगा, M2 पे लगेगा, और M3 पे लगेगा। M1 पे कितना लगेगा 10,000 ही लगेगा, M2 पे अब 40,000 लगेगा पूरे साल का, ठीक है। और बात करें M3 की, तो वो जुलाई में खरीदी है, जुलाई में 6 लाख की, तो 10% हो गया 60,000, और 6 महीने का हो गया 30,000,
तो ये टोटल मिला के हो गया आपका 80,000, 30,000, 40,000, 70,000 और 10,000, 80,000। फाइनली इसको क्लोज कर देते हैं और ये हो गया आपका 1,00,000। ठीक है, इसको भी यहाँ पे कितना कर लेते हैं, 1,00,000। चलिए और फॉर्मेट को कंप्लीट करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम। ये हमारा वर्क नोट था, थोड़ा छोड़ देते हैं इसको। अब 1,00,000 आया था, तो 2013 की 31 दिसंबर को क्या निकलेगा, टू बैलेंस सीडी निकलेगा। सीडी कितना निकला, 1,00,000 रुपीस। चलिए अब 2014 में आते हैं, तो 2014 की 1 जैन को बाय बैलेंस सीडी निकालेंगे, सॉरी बीडी करेंगे। तो अगर मैं बीडी की बात करूं तो यहां पर सीडी है 1,00,000, तो बीडी भी कितना होगा, 1,00,000 रुपये। चलिए अब आपको मैं बता दूं, जो मशीनें सोल्ड हुई है उस पर लगेगा डैप 6 महीने का, 1 जुलाई तक का, तो उसका मैं अलग से डैप लगा दे रहा हूं, बाय डैप ब्रैकेट में आप M1 डाल दीजिएगा या फर्स्ट डाल दीजिए, जुलाई तक का लगाना, मतलब 6 महीने का। तो अगर साल का 10,000 होता है तो 6 महीने का कितना होगा, 5,000। ठीक है, और अब क्योंकि यही मशीनें सोल्ड हो गई इस डेट को, तो 2014 की 1 जुलाई को इस पर आज तक जितना भी डैप लगा था वो हम कहाँ भेज देंगे, डिस्पोजल में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, डिस्पोजल अकाउंट में। तो अगर हम डैप काउंट करें तो देखिए यहाँ पर डैप लग चुका है 10, यहाँ पे लग चुका है 10 और यहाँ लगा है 5, तो टोटल इस पर डैप लग गया है 25। तो हम से 25,000 को भेज देंगे कहाँ पे, डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है, और बाद बाकी को क्या करेंगे, डैप लगाएंगे 31 दिसंबर को, तो बाय डैप लिखेंगे और M2 पे लगाएंगे और M3 पे लगाएंगे। 2 पे कितना, 40,000 ही लगेगा और 3 पे पूरा 60,000 लगेगा, तो इसके अकॉर्डिंग हो गया ये 1,00,000 रुपये। चलिए अब इसको टोटल कर लेते हैं, 1,00,000 और 1,00,000 ऑलरेडी है और यहाँ पे 5,000, तो ये हो गया 2,05,000। ठीक है, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, कई बार डायरेक्ट बनाते वक्त हो जाती है छोटी मोटी कैलकुलेशन गलत। 2,05,000, 25,000 लेस कर देंगे, 1,75,000 आना था और ये हो गया 1,80,000। ठीक है, ये आ गया आपका 31 दिसंबर को टू बैलेंस सीडी। ठीक है, अब आपका ये बन चुका है, देख ध्यान रखिए कि हमारे पास डैप आ गया 25,000 और अगर मैं मशीन अकाउंट की बात करूं तो वो आ चुका है हमारे पास कितना, 1,00,000। अब हमें क्या बनाना है, डिस्पोजल अकाउंट बनाना है फाइनली, तो मैं डिस्पोजल अकाउंट आपको यहाँ पे ही बना के दिखा देता हूँ। देखिए एक डेट का कॉलम बनेगा, डेट में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, और फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर अमाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखिए डायरेक्ट डिस्पोजल अकाउंट, ये मैं अकाउंट मेन है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अच्छी बात है यहाँ पे कोई डेट में ज़्यादा लफड़ा नहीं है, जिस दिन सेल हुई है वो सारी वैल्यू इधर आ जाएगी। देखिए जो मशीनें हमने सेल करी थी तो वो डिस्पोजल भेजी थी, तो वो देखिए इधर पे आ जाएगी सेक्शन में इस तरफ को, तो यहाँ लिख दीजिए टू मशीनरी अकाउंट, और कितने की थी वो, 1,00,000 वाली थी, अगर आपको दिख रही हो तो 1,00,000 वाली को हम यहाँ पे लिख देंगे 1,00,000। ठीक है, 2014 की अगर हम बात करें 1 जुलाई को, तो वो सोल्ड कितने की हुई है, सोल्ड के लिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं दोबारा से, तो वो दिखा हुआ है 30,000 में, तो उसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिखना चाहते हैं सेल लिख लीजिए, और वो सेल हुई है 30,000 की, तो यहाँ पर ईजिली आप उसे 30,000 शो कर दीजिए, ये हमने शो कर दिया है 30,000 रुपये। अब दोबारा से आते हैं, अगर मैं प्रोविज़न की बात करूँ तो प्रोविज़न कितना था, यहाँ हमारा ट्रांसफ़र होता 25,000, तो उसको हम 25,000 ट्रांसफ़र कर लेंगे इधर पे इसी डेट को, बाय प्रोविज़न फॉर डैप 25,000 रुपये। चलिए अब मैंने कहा था आपको कि अब टोटल करेंगे, अगर इधर का साइड का ज़्यादा आता है तो भाई इधर कमी निकलेगी जो कि लॉस होगा, और अगर ये साइड ज़्यादा आती है तो कमी इधर निकलेगी जो कि क्या होगा, प्रॉफिट। सो फाइनली अगर अभी हम देखें तो हमारी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है 1,00,000। ठीक है, और यहाँ भी हम 1,00,000 लिख देंगे, और 1,00,000 में से अगर हम घटा दें इन दोनों को जोड़ के तो बैठता है 55,000, और इसका मतलब हमारे को बहुत तगड़ा लॉस हो गया है, जिसे लिखेंगे P&L अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए लॉस, और अगर कैलकुलेशन सही है तो हो गया ये 45,000 का लॉस। ठीक है, और अगर ये कमी इधर निकलती तो क्या होता, प्रॉफिट होता। चलिए,
तो ये था पूरा प्रोसेस डिस्पोजल अकाउंट का। हमेशा आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको मशीन अकाउंट बनाना है, उसके बाद प्रोविजन, और लास्ट में आपका बनेगा डिस्पोजल। ठीक है, मशीन की वैल्यू यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, डिस्पोजल की यहाँ वैल्यू ट्रांसफ़र करेंगे, और यहाँ से हम निकालेंगे P&L की फ़ायदा हुआ या घाटा हुआ। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन डिस्पोजल का मैं समझाऊंगा, डिस्पोजल नहीं, आपको एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड समझाऊंगा, मे बी लास्ट पार्ट हो सकता है वो, और अगर स्टूडेंट की डिमांड आती है तो हम उसका एक और पार्ट बना लेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।